दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दोबारा मेरे चैनल में जिसका नाम है लाइव ब्यूटीफुल। दोस्तों आज हम होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से निकल के चिंतपूर्णी मंदिर की तरफ आए हुए हैं। ये हम आज मंदिर कवर करेंगे, चिंतपूर्णी मंदिर का। इस चिंतपूर्णी मंदिर के बाद हम जवाहर जी का प्रोग्राम है। तो दोस्तों आज हमारा चिंतपूर्णी का टूर तो अभी स्टार्ट कर दिया हमने। ये चिंतपूर्णी बस स्टैंड से उतर के हम लोग सीधे यहाँ पर इस रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पर चिंतपूर्णी का रास्ता है। ये भी हम मार्केट का एरिया देख लीजिए अभी बाहर। ये चिंतपूर्णी एरिया का मार्केट, मंदिर के बाहर का ये मार्केट है। यहाँ पर किस तरह का माहौल, अगर आप कभी इस साइड आए चिंतपूर्णी आए तो आपको इस तरह का आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। आज मेरे साथ दोबारा जसविंदर साथ दे रही हैं मेरे इस वीडियो में, तो वो आगे आगे चल रही है और मैं पीछे। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर होटल्स, रहने के लिए काफ़ी होटल्स भी है आपको, कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ पर रहने पीने रहने के लिए काफ़ी इंतज़ाम है, जगह जगह होटल्स है, खाने के लिए ढाबे वगैरह है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप कभी इस साइड आए तो आप इस एरिया को ज़रूर एक्सप्लोर करें, ये मार्केट एरिया चिंतपूर्णी का। तो दोस्तों अभी मैं आपको आगे मंदिर का एरिया दिखा देता हूँ, मंदिर के एरिया में क्या है क्या नहीं है, तो तब तक बने रहिए दोस्तों। दोस्तों अभी हम मंदिर के थोड़ा सा और करीब आ चुके हैं हम लोग, जहाँ से पहले हम एंटर हुए थे बस स्टैंड से, यहाँ तक लगभग 10 मिनट का रास्ता है। हम मंदिर काफ़ी क्लोज़ आ चुके हैं, तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर दरबार की तरफ जाते हुए काफ़ी उत्सुक हम लोग भी। किसी यात्री ने यहाँ पर, किसी श्रद्धालु ने यहाँ पर चप्पल खोल के गए हुए हैं, कोई जूता पहन के ऊपर जा रहा है। बाकी अलग अलग यहाँ प्रसाद की दुकान है, आप देख लीजिए यहाँ पर अपने जूते वगैरह भी रख सकते हो। तो ये मंदिर यहाँ सामने ये देख लीजिए आप। तो अभी हम भी निकालने वाले अपने जूते, जसविंदर मेरे साथ में, जय माता दी का नाम लेते हुए। काफ़ी हम खुश हैं इस मंदिर में जाते हुए। तो देख लीजिए आप, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर श्रद्धालुओं की, काफ़ी ये मत्था टेक के आए हुए हैं और हम भी अभी जाने वाले हैं इसी मंदिर की तरफ। ये देख लीजिए सीढ़ी यहाँ जाती हुई। तो जय माता दी का नाम लीजिए आप, हमारे साथ मिलते हैं आपको मंदिर में। तो दोस्तों अभी हम इस शॉप में आए हुए हैं, ये प्रसाद की शॉप है, आप देख लीजिए आगे इन्होंने काफ़ी आइटम्स रखी हुई हैं, प्रसाद वाली आइटम्स है, चुनिया अगर चढ़ानी है आपको माता को तो इस शॉप से आप ले सकते हो। आगे मंदिर के सामने ये शॉप, सामने ही बिल्कुल ये शॉप है। तो अभी मैं इनसे बात करने वाला हूँ और पूछने वाला हूँ कि इस मंदिर के अलावा और कौन सी यहाँ पर जगह हैं जो हम देख सकते हैं। तो अभी हमने जूते तो निकाल दिए हैं, तो अभी हैंड वॉश करने के बाद, इनसे बात करने के बाद मैं इनसे और एक्सप्लोर करूँगा इस एरिया में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, जय माता दी। अब बाकी श्रद्धालु यहाँ पर अपना अपना प्रसाद लेते हुए इस शॉप से, तो हम भी कुछ देर में ऐसे ही कुछ करने वाले हैं, तो ऐसे कुछ हम प्रसाद लेने वाले हैं इस शॉप दुकानदार से और इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर और कौन सी एरिया है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इस एरिया में। तो जैसे अभी हमारी टर्न आती है कि हम भी ऐसे ही कुछ खरीदेंगे तो मंदिर में ये चढ़ाएंगे। तो अभी हम भी प्रसाद लेने वाले हैं, ये नारियल हम ले रहे हैं और अलग अलग रेट्स की अलग अलग प्रसाद की दुकान है, तो हम भी लेने वाले हैं ये प्रसाद और मंदिर में चढ़ाएंगे। तो दोस्तों हमने अभी एंटर कर चुके हैं इस मंदिर के परिसर में और सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम लोग। सीढ़ियाँ तो इन्होंने मार्बल की बना रखी है, ये देख लीजिए काफ़ी ठंडा मार्बल है। पाँव में जैसे हमने भी अपने मोज़े वगैरह निकाल दिए, तो काफ़ी ठंडा ठंडक महसूस हो रही है। बाकी यहाँ पर श्रद्धालु अपने अपना प्रसाद वगैरह लेते हुए वहाँ से जो आए हुए हैं दर्शन करके वो भी वापस आ रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ से जाते हुए हमारी तरफ। अलग अलग दुकानें, मोस्टली यहाँ पर प्रसाद वाली दुकानें, किसी में चुन्नी मिल रही है, किसी में कुछ मिल रहा है, किसी में दिए वगैरह, किसी में फूल। तो यात्री काफ़ी खुश, लोग काफ़ी खुश मुस्कुराते हुए यहाँ पर आते हुए, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर आप दिखा लीजिए कितना अच्छा ये फूलों का यहाँ पर डिज़ाइन उन्होंने बना रखा है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी सुंदर दृश्य इस माता के मंदिर में, चिंतपूर्णी माता। इस मंदिर की स्टोरी मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूँ कि इस मंदिर में का महत्व क्या है और ये कैसे स्थापित हुआ था ये मंदिर। जिस मंदिर आके मेरे जा रहे हैं और मैं पीछे,
अभी यहाँ पर पर्चियाँ कुछ काट रहे हैं ये लोग, देख लीजिए। यहाँ पर पर्चियाँ लेते हुए तो इसकी एंट्रेंस हो गई हमारी, तो पर्चियाँ ने ले ली। पर्चियाँ देख लीजिए आप, पर्चियाँ इस तरह की पर्चियाँ कुछ होती है इस मंदिर में, अगर कभी आए तो आप इस तरह की पर्ची मिलती है। इस टेंपल के काफ़ी शांत माहौल इस मंदिर के अंदर, काफ़ी शांति लग रही है। काफ़ी विक्रेता यहाँ पर फूल बेचते हुए, और इस टेंपल का माहौल काफ़ी सुंदर, और ऊपर छत लगाया हुआ है बारिश से बचने के लिए श्रद्धालुओं के लिए, तो काफ़ी सुकून मिल रहा है मन को इस मंदिर में आते हुए। काफ़ी शांति से लग रही है, काफ़ी खुशी की उमंग पैदा हो रही है। फूल ले लेते हैं, ये है इधर के पास फूल है, फूल विक्रेता, ये देख लीजिए कितने सुंदर फूल इसके पास। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सुंदर ये फूल ले रही है, काफ़ी अच्छे फूल दिख रहे हैं, गुलाब के फूल, अलग अलग किस्म के फूल देख लीजिए, गेंदा और गुलाब ही है बेसिकली, काफ़ी सुंदर से सजाए हुए हैं। तो हमने ये फूल लिया है अभी, तो इस दोस्तों मंदिर के काफ़ी करीब हम आ चुके हैं। इस मंदिर का अंदर वाला एरिया आप देख लीजिए, मेरे थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है मंदिर का एरिया। और यहाँ पर हम पर्चियाँ दिखाने वाले हैं, जो हमने पर्चियाँ अभी बाहर ली थी, तो इनको, ये है मंदिर प्रवेश द्वार, आप देख लीजिए इस तरह का प्रवेश द्वार, और ये मंदिर का एरिया, काफ़ी सुंदर दृश्य, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी शांति मिल रही है मन को। और ये आपका सिक्योरिटी चेक, यहाँ पर वो श्रद्धालु यहाँ पर वेट करते हुए मंदिर में, तो जैसे ही हम आगे पहुँचेंगे आपको मैं वो भी दृश्य दिखाऊंगा, अगर इन लोगों ने वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ की हमको यहाँ पर। दोस्तों हम मंदिर के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए आप, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर इस वक्त, ये अपने अपने लाइन्स का इंतज़ार कर रहे हैं, ये लोग अपने अपने टर्न्स का वेट कर रहे हैं, तो आप ये दर्शन करेंगे माता जी का। और सामने आप एक बोर्ड लिखा हुआ, जिसमें लिखा हुआ श्री जय श्री चिन्नमस्तिका धाम। दोस्तों इस मंदिर की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊँगा, थोड़ी देर के बाद अभी मैं दर्शन कर लूँ, और इसकी स्टोरी, इस मंदिर का इतिहास क्या है, और ये क्यों मंदिर बना था, इसकी क्या स्टोरी है पूरी, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तब तक आप यहाँ पर मंदिर की आरतियाँ चल रही हैं, तो हम इसका आनंद ले रहे हैं। बाकी श्रद्धालु देख लीजिए आप, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने अपने टर्न्स का, और कुछ अपनी ये देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी श्रद्धालु वेट कर रहे हैं और मंदिर में, तो जैसे ही हम भी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ की विजुअल मैं आपको बता दूंगा, और इस स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा।